दिल तो सबका धड़कता है, लेकिन शायद आपका इस एज में कुछ ज़्यादा धड़कता होगा। आपके इस दिल को संभालने वाला या फिर संभालने वाली भी हो सकते हैं, बट मेडिकली इस दिल का ख्याल कौन रखता है, आज हम बात करेंगे उनकी। हाय, माय नेम इज दीप पाहुजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्ट, एंड इससे रिलेटेड दो टाइप के डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। वन इज़ द कार्डियोलॉजिस्ट एंड द अदर वन इज़ कार्डियक सर्जन। ये दोनों डॉक्टर्स का फील्ड ऑफ एरिया इज डिफरेंट। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दे ट्रीट एंड डायग्नोज योर हार्ट डिजीज, लाइक ब्लड प्रेशर, लाइक हार्ट अटैक, ECG करना, एंजियोप्लास्टी करना, ये सब आता है कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर, मोस्टली नॉन इन्वेसिव काम करना। एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन इज़ द वन हु एक्चुअली परफॉर्म सर्जरी ऑन द हार्ट, लाइक ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट करना, बाईपास सर्जरी करना। इन दोनों फील्ड्स में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 11th और 12th PCB से कर नीट UG क्रैक करना होता है, जिसके बाद आपको अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री MBBS करनी रहेगी। कॉमन रहती है सारी फील्ड्स के लिए 4.5 ईयर्स की डिग्री है। उसके बाद देयर इज़ 1 ईयर ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप, जिसमें आपको कुछ ना कुछ साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कवर करने के बाद आपको नीट PG का टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप PG में MD मेडिसिन चूज़ करेंगे। अगर आप एक सर्जन बनना चाहते हैं, कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप MS इन जनरल सर्जरी चूज़ करेंगे। 3 साल की डिग्री होती है। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद देन यू बिकम एलिजिबल टू डू योर सुपर स्पेशलिटी। सो MD के बाद आप लोग टेस्ट देते हैं सुपर स्पेशलिटी का, देन यू गेट एडमिशन इन टू DM कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन कार्डियोलॉजी एज वेल एज कार्डियक सर्जरी। 3 साल का कोर्स होगा जिसमें आप एज अ सीनियर रेजिडेंट काम कर रहे होंगे। पूरा MD का समय, DM का समय, टोटल 6 साल का समय, जिसमें यू वर्क टोटली इन द हॉस्पिटल। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, पेशेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपका पूरा समय हॉस्पिटल में ही जाता है। इस पूरे ड्यूरेशन को अगर आप देखें तो आपकी 4.5 साल की MBBS है, 1 साल की इंटर्नशिप है, 3 साल की MD है और 3 साल की ही DM है। तो टोटल आपका 13-15 ईयर्स यू स्पेंड टू बिकम एन एलिजिबल कार्डियोलॉजिस्ट और अ कार्डियक सर्जन। अब इतनी पढ़ाई करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस जॉब। देखिए, MBBS के बाद जो 1 साल की इंटर्नशिप है, आपकी अर्निंग उसी से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आपको एक बहुत डिसेंट स्टाइपेंड मिलता है। इट वेरीज़ फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट वेरीज़ फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, बट समवेयर अराउंड 15,000 यू आर गोइंग टू रिसीव एट दैट पीरियड। जब आप एक जूनियर रेजिडेंट बन जाते हैं, जब आप MD कर रहे होते हैं, उस टाइम पर भी आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 80,000 अगर आप एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हैं, लाइक AIIMS, AMU, BHU। देन सीनियर रेजिडेंट बनकर जब आप DM कर रहे होते हैं, तब भी समवेयर अराउंड 1 लाख और उससे ही मिलता जुलता आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। यू नो, एक मेडिकल प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे डिसेंट और अच्छा स्टाइपेंड आपको पढ़ाई के वक्त ही मिलता है। आफ्टर कम्प्लीटिंग योर DM, देन यू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम MCI। उसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं सारी डिग्रीज लेने के बाद? अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में, देन यू कैन वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी मेडिकल कॉलेज। अगर आप रियल फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन की तरह काम कर सकते हैं। इसमें द अर्निंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू वॉन्ट। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 3 लाख पर मंथ एज अ सैलरी। इट कैन गो अप टिल करोड़ अगर आप अपना हॉस्पिटल या फिर किसी हॉस्पिटल में शेयर ले लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। सब कुछ आपके स्किल के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं तो वो एक डिसेंट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दे कैन सेटअप देयर ओन लैब। इसमें एक लैब ओपन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैथ लैब। कौन ओपन करता है? इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। अब ये क्या चीज़ है? ये एक वो फील्ड है कार्डियोलॉजी की जिसमें सारे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। अब उसमें एक्सपर्ट होने के लिए आपको DM के बाद एक छोटा सा डिप्लोमा 1 या 2 साल का और करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फेलोशिप DM, पोस्ट DM फेलोशिप प्रोग्राम। सो वो करने के बाद यू कैन ओपन योर कैथ लैब, बट दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपको
इन्वेस्टर्स चाहिए हों, इसीलिए यूजुअली लोग हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। सो इसमें इनकम जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू डिवोट मोर टाइम टू योर फैमिली देन उसके अकॉर्डिंग होगा, बट इफ़ यू आर वेरी एम्बिशियस इन योर करियर देन देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन दिस फील्ड ऑफ मेडिसिन। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल नो डाउट हेक्टिक होता है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है तो आपको हमेशा उसके लिए रेडी रहना है। शुरुआत में थोड़े टफ डेज होते हैं बट जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू। इतनी सारी मेहनत करने के बाद किसी भी चीज़ का फल मीठा तो होगा ही, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके नो डाउट 13 से 15 साल लगेंगे बट आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। तो जो जो बच्चे इस समय नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने मन में इसी भाव के साथ तैयारी करें कि आगे जाकर हमने कुछ अच्छा देश के लिए, कुछ अच्छा हमारे सिटीजन्स के लिए रिसर्च करना है, उनको इन बीमारियों से बचाकर बेहतर ट्रीटमेंट देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम बाकी मेडिसिन की ब्रांचेस को भी कवर कर लें तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल अनअकैडमी।